everyone. Welcome to Priyanka Dadwal's YouTube channel. I hope you all are doing great just like me. So, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि जहाँ पर मैं जा रही हूँ वो जगह ही अकेली खूबसूरत नहीं, वहाँ जाने तक का रास्ता भी बेहद खूबसूरत और शानदार है. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज है 17 जुलाई और मैं जा रही हूँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने, जो है कल यानी 18 जुलाई को. अब आप लोग जो सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये और कोई पहाड़ नहीं बल्कि पावागढ़ का पहाड़ है. यस, मैं जा रही हूँ बसाल्ट पैराडाइज रिसॉर्ट, जो कि लोकेटेड है परोड़ा के पास, गोपीपुरा पावागढ़ हलोल गुजरात में. तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं तो अहमदाबाद में रहती हूँ, तो यहाँ से अहमदाबाद से यानी मेरे घर से ये बसाल्ट पैराडाइज रिसॉर्ट तक का जो सफ़र रहा वो 3-3.5 घंटे की जर्नी थी. बीच में हम लोगों ने बस एक टी ब्रेक लिया, तो जिसकी वजह से हमारे 10 मिनट्स वेस्ट हुए, बट अदरवाइज़ हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 3.25 घंटे में यहाँ पर आ जाते. अब हम पहुँच चुके हैं बसाल्ट पैराडाइज रिसॉर्ट के गेट पे. अब हम लोग करेंगे चेक इन अंदर रिसॉर्ट के. सो, यहाँ पे रिसॉर्ट के एंट्रेंस पे हम लोगों का सिक्योरिटी चेक इन हुआ, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने हम लोगों से बेसिक डिटेल्स ली एंटर करने के लिए रिसॉर्ट, एंड हमारी कार को चेकअप किया. अभी हम लोगों ने जैसे ही एंटर किया, ऑन द लेफ्ट साइड आप लोग देख सकते हैं कि ये कार पार्किंग का एरिया है. काफ़ी बड़ी एरिया में ये रिसॉर्ट बनाया गया है, तो एस नेचुरल यहाँ की पार्किंग भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से स्पेस दे रखी है. और बहुत ही अंदर घुसते ही हम लोगों को बहुत ही सुंदर लगा ये रिसॉर्ट, बिकॉज ग्रीनरी आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत है. यहाँ पर वाटरफॉल, ग्रीनरी, कलरफुल फ्लावर्स, पूरा ही जो ऑरा था यहाँ का बहुत ही सीनिक ब्यूटी की वजह से बहुत ही पॉजिटिव लगा मुझे. तो अब एंट्रेंस इतनी खूबसूरत थी, तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि डेफिनेटली ये रिसॉर्ट अंदर से बहुत ही खूबसूरत होगा, एंड आई वाज़ लिटरली यू नो वेटिंग टू गेट इनसाइड एंड सी हाउ द होल रिसॉर्ट लुक्स लाइक. मैं इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को बाहर से इसका ओवरऑल एक्सटीरियर व्यू दिखा रही हूँ. सो, आप लोग देख सकते हैं कि ये एक्सटीरियर व्यू कितनी बड़ी एरिया में डेवलप किया गया है. अब ये रिसॉर्ट की एंट्रेंस यानी चेक इन काउंटर की तरफ मैं जा रही हूँ, एंड ये रहा रिसेप्शन काउंटर, चेक इन काउंटर आप कह सकते हैं. सो, मेरी बुकिंग डिटेल्स शेयर करने के बाद मुझे मिल गई मेरी रूम की. अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेरा जो स्टे होने वाला है वो किस जगह होने वाला है. चलिए. सो, यहाँ से चेक इन काउंटर से रूम्स तक का जो सफ़र है वो खुद में ही बेहद खूबसूरत है. जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने आपको पावागढ़ की हिल्स दिख रही हैं. ये इन लोगों ने छोटा सा पॉन्ड बना रखा है, उसमें फिशेस हैं. मेरी बेटी को तो बहुत डिफरेंट कलर की फिशेस उसने स्पॉट कर ली थी, वो बहुत अच्छी लगी, एंड वी ऑल्सो लाइक द होल सीनिक ब्यूटी हियर. ये है एंट्रेंस टूवर्ड्स दी विला, जो हम लोगों ने मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुक किया गया है, फॉर अ फैमिली ऑफ 4 पीपल. सो, इस विला में हम देखते हैं कि अंदर से कितने रूम्स हैं और कैसे इसका इंटीरियर्स है. सो, विला को एंटर करते ही देख सकते हैं आप मेरी डॉटर कितनी ही एक्साइटेड और कितनी खुश हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ एंटर करते ही एक ड्राइंग रूम एरिया दे रखा है, एंड ऑन द लेफ्ट साइड ये डाइनिंग एरिया है, एक ड्राई किचन एरिया है, वहाँ पे सेंट्रली एसी भी है ये पूरे एरिया में, ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग एरिया. सो, अब हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट रूम जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो कैसा है. वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है, कंफर्टेबल बेड, इंटीरियर्स मिनिमलिस्टिक येट मॉडर्न, एंड बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी होती हैं रूम की वो सारी इधर यहाँ पे अवेलेबल हैं. अब ये देखते हैं विंडो से व्यू यहाँ का. ओ वाओ, देयर इज़ अ प्राइवेट पूल ओवर हियर. सो, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से अगर हम विंडो के कर्टन्स ओपन करें तो
प्राइवेट पूल के दर्शन हो जाते हैं हमें। एंड ये है पूल की तरफ एंट्रेंस ड्राइंग रूम से। ये एक कूलर और सामने एसी दे रखा है। ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। अभी हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे क्या है। सो डेकोर के हिसाब से तो ये प्रॉपर विला यानी हमारे घर जैसा ही इसका लुक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि एक पल के लिए कि मैं बाहर रिसॉर्ट आई हूँ, बिकॉज मेरा घर का डेकोर भी ऑलमोस्ट इस तरीके से ही हम लोगों ने मिनिमलिस्टिक कर रखा है एंड सिमिलर आर्किटेक्चर है। एंड ये है सेकेंड रूम फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे मैं, मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड स्टे करने वाले हैं। नीचे के रूम में मेरी मदर स्टे करेंगी, जो आपने अभी पहले देखा। यहाँ पे भी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ जो है एक रूम के स्टे के लिए सब अवेलेबल हैं। ये है या इस रूम से, इस बाहर विंडो से जो व्यू दिख रहा है, एज सच आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी पूल व्यू है, प्लस साइड में जो फार्म्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। मुझे तो यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन, जो थीम लिया है, कलर थीम अंदर के रूम्स का, वॉल्स का, बहुत ही ब्यूटीफुल लगा एंड बहुत ही काम एंड पीसफुल ये फीलिंग देता है। एंड ये है फर्स्ट फ्लोर का बाथरूम। ये एक सेपरेट बेडिंग एरिया है यहाँ पे। अब ये फर्स्ट फ्लोर से बाहर अगर हम जाते हैं तो ये टेरेस दे रखी है। एंड तो ये देखिए कि ये इतनी बड़ी टेरेस है। यहाँ पे आप इवनिंग में या मॉर्निंग में टी स्नैक्स इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर से आप देखिए कि व्यू कितना अच्छा है। चारों बाजू अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको ग्रीनरी दिखेगी, सीनिक ब्यूटी बेशुमार दिखेगी, पूल का व्यू, और ये रहे पावागढ़ के पहाड़। और देखिए इन लोगों का आर्किटेक्चर कितना ब्यूटिफुली डिज़ाइन किया गया ये रिसॉर्ट है। आई वुड से हैट्स ऑफ टू द आर्किटेक्चर, हैट्स ऑफ टू द डिज़ाइनिंग टीम, जो इतना ब्यूटिफुली इन लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है। प्लस मेंटेनेंस टीम जो इसको मेंटेन कर रखी है, इसकी ग्रीनरी को, इसकी सीनिक ब्यूटी को इंटैक्ट रखने के लिए, सब ने जो भी ये लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि इतना ब्यूटीफुल उन लोगों ने ये सेटअप को मेंटेन करके रखा है। और आप देखेंगे आगे भी इस वीडियो में कि ये कितना बड़ा एरिया में कवर करके रखा है, तो इसको मेंटेन करना इज़ ऑल्सो अ टफ जॉब। चलिए अब देखते हैं कि ये ड्राई एरिया जो है किचन का, ये है। अब यहाँ से अब मैं एंटर कर रही हूँ पूल की तरफ, यानी ड्राइंग रूम से, लिविंग रूम से एंटर करी मैं पूल की तरफ। पूल विद गार्डन है ऑन द लेफ्ट साइड। अगर आप देखें तो जो ग्राउंड फ्लोर का जो रूम है उसके बाहर भी एक सिटिंग एरिया दे रखा है विद शेड, ये देखिए। एंड पूल आप खुद में ही बहुत अच्छा बड़ा सा है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। सो किड्स के साथ अगर आप जा रहे हैं तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द डेप्थ ऑफ द पूल। सो मेरी डॉटर के लिए तो आई वुड रियली से ऑनेस्टली दैट ये पूल ही उसका मोस्ट फेवरेट प्लेस था पूरे विला में। उसने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया ये पूल एंड वो बहुत एक्साइटेड थी स्विमिंग पूल में जाने के लिए। एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं उसके मिनी वेकेशन के लिए एंड शी वांटेड टू एन्जॉय टू द फुलेस्ट। सो वो पूल में उसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, खूब इन्जॉय किया और मैं भी उसको देख के बहुत सेटिस्फाइड थी, बहुत हैप्पी थी। अब जब वो पूल में एंजॉय कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक दो हम रील्स भी बना लें ट्रेंडिंग म्यूज़िक पे, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे। तो मैंने यहाँ पर पूल एरिया में बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल रील्स भी बनाई हैं, जो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं मेरे चैनल पे, तो ज़रूर जाके देखिएगा। अब ये एक्सटीरियर व्यू है हमारे विला का इन डे टाइम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग से ही कि इस रिसॉर्ट में एंटर करते ही हम लोगों को इसकी सीनिक ब्यूटी ने अट्रैक्ट किया था और ट्रूली ये ट्रू टू इट्स नेम है, बसाल्ट पैराडाइज रिसॉर्ट इज़ एक्चुअली अ पैराडाइज ऑन अर्थ आई वुड से।
बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा रिसॉर्ट बनाया है। ग्रीनरी देखकर तो भाई मज़ा ही आ गया। हम लोग सिटी पीपल, हम लोगों के इतनी ग्रीनरी और इतनी नेचर में रहने का मौका नहीं मिलता है, तो हम लोगों ने तो खूब इन्जॉय करा ये सीनिक व्यू। सो चेक इन करने के बाद मैं पहुंची थी रिसॉर्ट के इन्फिनिटी पूल की तरफ। मैंने इंस्टाग्राम पे इन लोगों की रील्स बहुत देखी थी इन्फिनिटी पूल की, सो आई वांटेड टू चेक आउट द इन्फिनिटी पूल एंड दिस इज़ इट। ये है रूफ़ पे इन्फिनिटी पूल बनाया है, रूफ टॉप पे, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप देखें तो बिल्कुल सामने की तरफ आपको पहाड़ दिख रहा है और रूफ़ टॉप पे आप लोगों का पूल है, चारों तरफ इतना खूबसूरत व्यू है, तो भाई वाइब्स तो है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने एरिया में रिसॉर्ट को कवर करा गया है। ये राइट साइड में सारे रूम्स एंड विलाज हैं जिनके आप शेड्स देख रहे हैं। बीचों बीच ये इन लोगों ने गार्डन और पार्टी प्लॉट के लिए एरिया दे रखा है। एंड ये रहा पूल का व्यू एंड ये है टॉप व्यू ऑफ द रिसॉर्ट। सो चेक इन करने के बाद हम लोगों ने ये थोड़ा बहुत रिसॉर्ट घूमा और अब हम लोगों को लग गई भूख, तो हम जा रहे हैं लंच करने। आइए देखते हैं यहाँ का रेस्टोरेंट कैसा है। ओ वाओ, सो रेस्टोरेंट भी कितना स्पेशियस है, कितना बिग है। ऑब्वियसली इतना बड़ा अगर इन लोगों ने रिसॉर्ट बना रखा है तो रेस्टोरेंट हैज़ टू बी बिग इनफ टू अकोमोडेट गुड नंबर ऑफ पीपल एट अ सिंगल टाइम। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल इन लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है। बफे सिस्टम था, सो चॉइसेस नेचुरली बहुत ज़्यादा थी, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थी खाने में, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे लंच के लिए, सो बफे हम लोगों को उस टाइम पे नहीं मिल पाया। बट होटल स्टाफ वॉज काइंड इनफ, उन लोगों ने हम लोगों को अला कार्टे अरेंज करके दिया, बिकॉज हम लोगों का लेट चेक इन हो गया था एंड हम लोग थोड़ा शूट में बिजी हो गए थे, तो हम लोग खाना खाने के लिए टाइम पे नहीं पहुँचे। बट अला कार्टे में इन लोगों ने हम लोगों को सारी चीज़ें जो भी हम लोगों को लंच में हम लोगों ने डिमांड करी थी वो सर्व करके दी। सो ये रही रोटियाँ, चना मसाला, पनीर की सब्जी, आई डोंट नो कौन सी थी, ये एक और दाल मखनी है, एंड हम लोगों ने एक ड्राई पनीर स्टार्टर भी मंगाया था, बट हम लोग इतने भूखे थे कि हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टर ही खा लिया, ख़त्म कर लिया। उसके बाद हम लोग खाने पे टूट पड़े। ऑब्वियसली हम लोग सुबह के निकले हुए थे, हम लोगों ने सिर्फ एक टी ब्रेक ही लिया था, सो भूख तो बहुत लगी थी हमें। फिर मैं वापस निकल पड़ी ये रिसॉर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है इन लोगों का पार्टी प्लॉट एरिया, जहाँ पे ये लोग फंक्शंस, वेडिंग और एनिवर्सरी या बर्थडे, कोई भी सेलिब्रेशन हो जिसके इवेंट्स आपको ओपन एरिया में रखने हो, तो ये लोगों ने एक ओपन एरिया दे रखा है जहाँ पे आप लोग अरेंज कर सकते हैं और बहुत ही स्पेशियस है। आइए चलते हैं अब हाई टी की तरफ, देखते हैं शाम की चाय और नाश्ते में क्या रखा है इन लोगों ने। सो टी एंड कॉफ़ी आपने देखी, ये है कुकीज़, मुझे तो कोकोनट कुकीज़ बहुत ही, ये हैं कुछ नगेट्स एंड ब्रेड के बाइट्स, ये हैं पकोड़ास जो चाय के साथ बहुत ही यम्मी लगे थे हम लोगों को, चटनी। सो ओवरऑल मुझे तो कुकीज़ ज़्यादा पसंद आई और ब्रेड के साथ पकौड़े खाने में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बारिश का मौसम था तो चाय और पकौड़े का तो कॉम्बिनेशन एवरग्रीन है, सबको ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी मेरी मदर के साथ चाय का मज़ा लिया बारिश देखते देखते एंड पकौड़े खाते खाते। सो हाई टी के बाद मैं निकल पड़ी एक्सप्लोर करने के लिए इंडोर एक्टिविटी एरिया, जो था हमारे विला के बिल्कुल अपोजिट साइड पे पॉन्ड के पास। ये इन लोगों ने बाहर एक मिनी पॉन्ड यहाँ पे भी बना रखा है, जहाँ पे बोट्स जैसा कुछ फाउंटेन भी बना रखे हैं। एंड ये जो आप सब देख रहे हैं कैबिन्स, ये सारे हैं इंडोर एक्टिविटी एरिया। चलिए एक्सप्लोर करते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है इंडोर एक्टिविटीज़ में इनके पास।
सो इंडोर एक्टिविटी एरिया तक जाने के लिए भी जो आप अगर रास्ता देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये पाथ भी इतना ब्यूटीफुल है कि आप लोग इन्जॉय करेंगे इसको क्रॉस करने के लिए। एंड दोनों तरफ बहुत खूबसूरत सा वाटर एस्पेक्ट भी इन लोगों ने क्रिएट करके रखा है। ये हो गई मैं एंटर फर्स्ट गेम जोन एरिया में। सो इस एरिया में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्पीड हॉकी है एंड टेबल टेनिस है, जहाँ पे मेरी डॉटर के साथ मैंने स्पीड हॉकी बहुत इन्जॉय किया। टेबल टेनिस तो वो मेरे साथ अच्छे से खेल नहीं पाई, सो हम लोगों ने स्पीड हॉकी ही इन्जॉय किया यहाँ पर बहुत। फिर चल दिए हम नेक्स्ट एक्टिविटी जोन में, देखते हैं अंदर क्या है। सो ये है इंडोर गेम्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरम बोर्ड भी था, चेस भी थी खेलने के लिए, एंड ये डार्ट गेम जैसा भी एक गेम था जहाँ पे हम लोग को बॉल को एज अ डार्ट यूज़ करना था। ये है यहाँ का जिम एरिया, यहाँ पे इनफ जिम इक्विपमेंट्स हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे जिम इक्विपमेंट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, बट सफिशिएंट इनफ फॉर मेनी स्टेकेशन पीपल, जहाँ पर आप लोगों को बेसिक जिम के इक्विपमेंट ज़रूर मिल जाते हैं, तो आप जिम ऑन द गो एंजॉय कर सकते हैं इस रिसॉर्ट में। ये इंडोर गेम एरिया में हम लोग वापस आ गए थे किटाकी खेलने के लिए, मेरी डॉटर को वापस आना था, सो यहाँ पे हमने ये किटाकी गेम फिर से खेला, कैरम खेला, थोड़ा बहुत चेस खेला, फिर हम निकल गए सॉफ्ट प्ले एरिया में। सो ये है छोटे बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले एरिया, एंड यहाँ पर इनफ सेफ प्ले जोन है बच्चों के लिए, जो लिटिल किड्स होते हैं, यंग एक्सप्लोरर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एंड सेफ प्ले एरिया है। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरी डॉटर ने तो यहाँ पे भी बहुत इन्जॉय किया, उसने स्लाइड्स में फ़न किया, बॉल्स के साथ खेलने में उसको बहुत मज़ा आया, ये छोटी मोटी राइड्स में भी उसने बहुत इन्जॉय किया। अब मैं चल दी आगे की तरफ डिस्कोथेक की तरफ देखने के लिए कि यहाँ का डिस्को कैसा है। सो ये है डिस्कोथेक बसाल्ट पैराडाइज रिसोर्ट का, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा। आप लोगों की यहाँ पे पार्टीज़ अगर अरेंज करनी हो सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। लाइटिंग आप देखें कितनी खूबसूरत है, जैसे ही म्यूज़िक ऑन हुआ आई कुड नॉट स्टॉप डांसिंग, एंड मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पर डांस विद म्यूज़िक इन्जॉय किया। सो लाइटिंग का अरेंजमेंट जो यहाँ पे है विद म्यूज़िक बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड स्पेशियस अच्छा है ये डिस्कोथेक, तो काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ये लोग एट अ टाइम एक पार्टी में अकोमोडेट कर सकते हैं, एंड मिनी मॉकटेल बार भी यहाँ पर है। अब ये आ गई हूँ मैं आउटडोर एक्टिविटीज़ एरिया में, जहाँ पे ये एडवेंचर प्लेस है फॉर किड्स, अच्छे खासे स्विंग्स हैं, थोड़ा सा एडवेंचर एरिया है, यानी राइड्स दे रखे हैं आपको लोगों को बच्चों को इंग्रोज रखने के लिए, एंड बहुत मतलब थॉटफुली ये डिज़ाइन करा गया है ताकि बच्चे इस चीज़ को एज अ चैलेंज लें और इन्जॉय करें ये पूरी एरिया को। सो दिस इज़ ट्रूली एन एडवेंचरस प्लेस फॉर किड्स टू एन्जॉय ओवर हियर, एंड सी मेरी डॉटर कैसे इन्जॉय करी है एक एक टास्क को ये एडवेंचर के। सो बीइंग अ मदर मैं थोड़ा वरिड थी सेफ्टी रिलेटेड, ये देख के कि मेरी बच्ची गिर ना जाए ये सब करते हुए एक्टिविटी, बट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इन लोगों ने ये डिज़ाइन करे गए हैं राइड्स और ये सारे एडवेंचर टास्क जो हैं एक्टिविटीज़ जो हैं, तो गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है, अगर कोई गिरे भी तो भी नीचे अच्छी खासी मतलब ग्रास है तो इतना ज़्यादा लगेगी नहीं। सो एज सच सेफ्टी रिलेटेड तो कोई डर नहीं था,
एंड बहुत ही अच्छी अच्छी इन लोगों ने एक्टिविटीज़ रखी थी। ट्रैम्पोलिन था जो मेरी डॉटर ने काफ़ी टाइम बाद किया था, तो उसने बहुत इन्जॉय किया। फिर यह हम लोगों ने साथ में बैठकर स्विंग इन्जॉय किया इवनिंग में, एंड खूब मज़े किए मेरी डॉटर ने पूरे एरिया में। सो ये है जेन रूम के बाहर का गार्डन एरिया, जहाँ पे सिटिंग भी दे रखा है, बेंचेस दे रखे हैं, एंड ये बैडमिंटन एरिया है, तो यहाँ पे आप लोग बैडमिंटन भी एंजॉय कर सकते हैं। सो रिसॉर्ट घूमते घूमते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। अब ये है नाइट व्यू जो मेरे विला के बिल्कुल बाहर है। ये रहा हमारा विला, विला नंबर 6 हमें अलॉटेड था इस रिसॉर्ट में, एंड ये है नाइट व्यू विला के बाहर। एग्जैक्टली हम लोगों के पॉन्ड है, ये सामने आप देख रहे हैं एक्टिविटी एरिया, ऊपर पहाड़ हैं, एंड बहुत ही पीसफुल सा सूदिंग सा म्यूज़िक यहाँ पे बजता रहता है रात के टाइम पे, एंड सीनिक नेचर में आप लोग यहाँ पे इवनिंग वॉक नाइट वॉक करें तो बहुत आप लोग एंजॉय करेंगे। मैंने मेरी मदर के साथ यहाँ पे नाइट वॉक किया था, एंड ट्रस्ट मी मेरी मॉम को भी इक्वली उतना ही मज़ा आया जितना मुझे आया ये म्यूज़िक में नेचर वॉक करते हुए। सो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था, प्लस ये वाटर फाउंटेन्स की जो साउंड थी बैकग्राउंड में वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे नाइट वॉक लिया और खूब एंजॉय किया। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस प्रॉपर्टी के रेट्स। सो बेसिकली जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने यहाँ पे विला विद प्राइवेट पूल बुक किया था वन नाइट स्टे के लिए। सो ये कॉस्टिंग मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30,302 रुपीज़ टू बी वेरी प्रिसाइज में पड़ा, विद ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर बफे के साथ, फॉर 3 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड ऑफ 9 ईयर्स एज। आई बुक दिस होटल थ्रू मेक माई ट्रिप। आप लोग डायरेक्टली होटल को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेस्ट रेट्स के लिए, एंड अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि मेक माई ट्रिप और अगोड़ा जैसी आप मार्केट प्लेसेस में भी चेक कर सकते हैं इसके रेट्स। उसमें वैसे भी डील्स एंड ऑफर्स चलते हैं, तो आपको बेस्ट रेट्स मिल सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये है रिसॉर्ट का, जहाँ पे रिसेप्शन चेक इन काउंटर है, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल भी है, ये ऊपर टॉप में इन्फिनिटी पूल है। अब ये रहा नाइट व्यू हमारे विला के लिविंग एरिया का। तो आइए चलते हैं अब डिनर की तरफ, देखते हैं डिनर में क्या है यहाँ पर। सो ये रहा डिनर में बुफे का फर्स्ट सूप, सैलड्स। सो स्टार्ट किया था हम लोगों ने सूप से, एंड ये रहे सैलड्स, ग्रीन सैलड काउंटर। ये है मिक्स वेज रायता एंड अगेन मिक्स सैलड, पापड़, ग्रीन चटनी एंड अचार। ये है गोभी मंचूरियन ड्राई। ये है कुंग पाओ पनीर, हक्का नूडल्स। सो बेसिकली स्टार्टर्स हैं ये, मिक्स सॉस पास्ता, पालक पनीर, लौकी मटर। ये है दाल तड़का। ये है स्टीम राइस, वेज पुलाव, गुलाब जामुन एंड आवर फेवरेट आइसक्रीम। ये है जैन फूड का काउंटर। सो ये है बफे डिस्प्ले। सो बहुत सारी ऑप्शंस थी, मैं तो कंफ्यूज ही क्या खाऊं। सो मैं पहुंच गई लाइव काउंटर मूंग बड़ी चाट के लिए, एंड मैंने इन लोगों को बोला कि भैया मुझे दिखाइए कि आप लोग कैसे बना रहे हैं ये चाट। तो ये रही मूंग बड़ियों की
बना रहे हैं ये चाट, इन्होंने डाली मूंग बढ़िया तोड़ के, पहले उन्होंने मीठी चटनी डाली, फिर हरी चटनी, एंड ये अभी इन्होंने दही उसमें डाला है, ये डाल दिया इन्होंने ढेर सारा सेव, उसके ऊपर ये चाट मसाला, एंड थोड़े से इन लोगों ने प्याज टमाटर डाले हैं। आइए टेस्ट करते हैं, ये दिखने में तो जितनी टेम्पटिंग लग रही है, ये खाने में उतनी यमी है कि नहीं, चलिए ट्राई करते हैं। ये पहली बाइट ली मेरी डॉटर ने, देखते हैं इसका रिएक्शन। ओ वाह, शी लव्ड इट। सो ये है मेरे खाने की प्लेट, एंड इतना सारा खाना देखकर तो मेरा वैसे ही पेट भर गया था, बट ट्रस्ट मी, मेरे फैमिली को खाना बहुत ही यमी लगा, उन्होंने तो ऑलमोस्ट सबने सब डिशेस ट्राई करी एंड दे ऑल लव्ड इट। सो आफ्टर अ मिनी नाइट वॉक विद माय मॉम एंड माय डॉटर, मैं पहुंची वापस अपने विला की तरफ, एंड ये अगेन फुल नाइट, ये लोग यहाँ पर लाइटिंग रहती ही है, एंड लोग लेट नाइट भी यहाँ पर वॉक करते हैं, एंजॉय करते हैं, गार्डन में बैठ के बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। सो ये है हमारा गुड मॉर्निंग वाला व्यू हमारे ड्राइंग रूम की विंडो से। अच्छी सी नाइट स्लीप लेकर हम लोग उठे और रेडी होकर चल दिए ब्रेकफास्ट की तरफ। दिस मैचिंग मदर एंड डॉटर आउटफिट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय बोक्सी ब्रांड। ये है ब्रेकफास्ट सीन, टी एंड मिल्क, एंड ये है हमारा ब्रेकफास्ट बफे, चॉकोस, कपकेक्स, मफिन्स, ब्रेड काउंटर, फ्रूट्स, वेज चीज, नगेट्स, आलू प्याज पराठास, पिकल एंड कर्ड, ये है सैलेड एंड सेव, ये है पोहा, उत्तपम, ये है सांभर, कोकोनट चटनी, जूसेस, क्रैनबेरी जूस, एंड दिस इज वाटरमेलन जूस आई गेस, यस। चलिए अब बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ये मैंने भर ली अपनी प्लेट एंड मैं टेस्ट कर रही हूँ खाना। ये मैंने खाया पोहा, and poha was yum as always, very satisfying. So breakfast में जो दूसरी dishes थी वो भी बहुत सारी ज़्यादा tasty थी, and मेरे को सबका ही taste mild सा लगा, बहुत ज़्यादा spicy नहीं, बहुत ज़्यादा मसाले वाले नहीं थे खाना, तो सबको बहुत पसंद आया। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने चेकआउट कर लिया, बिकॉज़ हम लोगों को पावागढ़ में काली माता टेम्पल के में दर्शन करने जाना था, तो हम लोगों ने अर्ली चेकआउट किया एंड हम लोग निकल पड़े पावागढ़ काली माता टेम्पल में दर्शन करने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड डू फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज़। इट्स मी प्रियंका डरबाल सेइंग चाओ फॉर नाउ, बाय बाय, सी यू सून।